सरकार मैं मेरे भाई का साथ देने आया हूँ आज। अच्छा तो भाई आपका डबाली में साथ देंगे रानिया में? रानिया और डबाली दोनों जीतेंगे मिलके। मेरा भाई है, भाई और भाई जब इकट्ठे हो जाते हैं मजबूत हो जाती है। माता पोता भी रानिया में इकट्ठे दिखेंगे। रानिया में खुला समर्थन है। तो यहाँ पे तस्वीरें जो है वो देखिएगा कि दिग्विजय चौटाला का रोड जो जैसे जैसे जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, रास्ते में जो डबली शहर के लोग हैं वो दिग्विजय चौटाला को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए यहाँ पे जो वो लगातार पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा तस्वीरों में कि फूल बरसा करके दिग्विजय चौटाला का स्वागत जो है वो यहाँ पे तमाम गांव के डबली शहर के लोगों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में अगर मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि ढोल नगाड़ों के साथ दिग्विजय चौटाला जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आज जो है वो पहुंच रहे हैं और ऐसे में काफी अच्छी संख्या में दिग्विजय चौटाला को समर्थन करने के लिए तमाम लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह के पोते सूर्य प्रकाश चौटाला भी जो है वो दिग्विजय चौटाला के साथ नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए जो है वो लगातार पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पूरा लंबा अगर मैं आपको भीड़ का दृश्य दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो दिग्विजय चौटाला को समर्थन करने के लिए जो है वो यहाँ पर लगातार पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि जैसे जैसे दिग्विजय चौटाला आगे बढ़ रहे हैं और डबली शहर में दिग्विजय का जो है वो स्वागत फूल बरसा करके जो है वो लगातार लोग जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि दिग्विजय चौटाला जैसे ही शहर में पहुंचे हैं तो लोग जो है वो फूल बरसा करके दिग्विजय चौटाला का जो है वो स्वागत दिग्विजय का नॉमिनेशन करवाने आए हो, क्या कुछ कहोगे? मैं मेरे भाई का साथ देने आया हूँ आज। अच्छा तो भाई आपका डबाली में साथ देंगे रानिया में? रानिया और डबाली दोनों जीतेंगे मिलके। ठीक है, दोनों जीतोगे मतलब खुला खुला तौर पर जो है वो आप साथ हो चुके हो? मैं मेरे भाई के साथ आया हूँ, दोनों मिलके चलेंगे, दोनों जीतेंगे। दिग्विजय भाई साहब क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहोगे? आप बताओ क्या लगता है? पहले इनसे कह रहा हूँ लोग चोई देवीलाल के लोग हैं और चोई देवीलाल की विचारधारा की पार्टी के साथ आज दिग्विजय जी सूर्य प्रकाश चौटाला भी साथ दिखाई दे रहे हैं। मेरा भाई है, भाई और भाई जब इकट्ठे हो जाते हैं मजबूत हो जाती है। मतलब दादा पोता भी इकट्ठे हो जाएंगे? दादा पोता भी रानिया में इकट्ठे दिखेंगे? रानिया में खुला समर्थन है। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा कि दिग्विजय चौटाला के रोड शो में हम आपको जो है वो पूरे बाजार की तस्वीरें जो है वो दिखाएंगे, साथ साथ जो है वो आगे चलते हुए हम आपको अगर दिखाना चाहें तो आप देखिएगा कि काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो दिग्विजय चौटाला के इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की सेना जो है वो लगातार दोनों पार्टियों के जो वर्कर हैं कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है वो इस रोड शो के अंदर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय चौटाला को मजबूती देने के लिए यहाँ पे तमाम लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक तस्वीर और देखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण और दुष्यंत चौटाला जो है वो ऊंट पे सवार हो करके लगातार जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए
दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा तस्वीरों में कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो वो ऊंट पे सवार होकर के लगातार पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। बेटा बन के डबवाली की सेवा की है और मुझे भरोसा है कि जो जन समूह उमड़ा है और इस तरह का प्यार मिल रहा है, इस बार यहाँ की जनता दिग्विजय चौटाला को आशीर्वाद देकर भेजेगी। और मैं भी अपेक्षा करता हूँ, दिग्विजय नौजवान है, कि वो ताऊ देवेंद्र जी के अधूरे काम को आगे बढ़ाने का काम करें। बातचीत के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने दिग्विजय को मजबूती देने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या कुछ कहेंगे। बहुत जोश है और पंजाब की निशानी है, मैं मानता हूँ रावण की एक शोर है हरियाणा का, जब यहाँ से हवा चलेगी तो पूरे प्रदेश में जाएगी। दर्ज कर पाएंगे, मानता हूँ कि जितने अंतर से डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी, नैना चौटाला जी विधायक रहे, सबसे बड़े मार्ग